नमस्कार मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों में वीडियोज़ में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। पन्ना धाय का हमने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा। एक श्रोता ने उसको बड़े ध्यान से सुना और हमसे विनती की कि सर, राजा सुहेल देव के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। हम उनकी इच्छा का आदर करते हुए आज राजा सुहेल देव के ऊपर हम बात करेंगे, जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। राजा सुहेल देव जो थे, वे श्रावस्ती के नरेश थे, प्रसेनजीत उनके सबसे बड़े पुत्र थे। इनके दो भाई थे जिनका नाम था बहरदेव और मल्लदेव। राजा सुहेल देव जो थे, 1009 को इनका जन्म हुआ था और माना जाता है कि इनका शासन जो है वो 1037 से 1077 तक रहा। इनके अंतर्गत करीब 12-13 छोटे छोटे राजा राज्य थे और वे सब राजा जो थे इनको अपना मुखिया मानते थे। राजा सुहेल देव को पासी जो एक पिछड़ी जाति है उससे माना जाता है, राजभर भी एक पिछड़ी जाति है, कुछ लोग उनको उससे मान राजपूत कहते हैं कि नहीं, वो राजपूत थे। आश्चर्य की बात यह कि जैन धर्म के एक पुस्तक के मुताबिक वो पुस्तक जो है ये दावा करती है कि सुहेल देव जो थे वो जैन थे। लेकिन एक बात कही जाती है कि उन दिनों पंडित लोग जो थे वे पिछड़ी जाति के राजाओं का तिलक नहीं किया करते थे और जो जैन मुनि थे वो राज तिलक कर दिया करते थे, उनको कोई किसी तरह का इतराज़ नहीं होता था। कहते हैं कि सुहेल देव जी ने जैन धर्म इस वास्ते अपनाया था, लेकिन यहाँ ये तर्क जो है हमारे गले नहीं उतरता। आपको ये ध्यान होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी पिछड़ी जाति से थे और जिनको चाणक्य ने राजा बनाया था और उन्होंने ही उनका राजतिलक किया था। तो ये कहना कि ब्राह्मण पिछड़ी जाति के लोगों को राजतिलक नहीं कराते थे, कुछ गले उतरने वाली बात नहीं लगती। राजा सुहेलदेव जो थे बड़े वीर थे, मुसलमानों को उन्होंने कई बार अछक्के छोड़ाए। मंदिरों के विरुद्ध एक उन्होंने मुसलमानों ने जो एक अभियान सा छेड़ रखा था उसके ऊपर उन्होंने बड़ी भारी लगाम लगाई। सुहेलदेव जी थोड़े वे कहते हैं कि बालार्क ऋषि थे जो उनके श्रावस्ती के निकट ही स्थान है, वहाँ तपस्या करते थे। बालार्क ऋषि के ये शिष्य माने जाते हैं। बालार्क ऋषि से ही इन्होंने धनुर्विद्या सीखी, गदा चालन सीखा, घुड़सवारी सीखी, भाला फेंकने की विद्या प्राप्त की और तो और कहा जाता है कि अर्जुन की तरह से आवाज़ के ऊपर तीर में चलाकर और उसे बेद दिया करते थे। तैरने का इनको बड़ा शौक था, घुड़सवारी में भी इन्होंने काफ़ी पारंगता प्राप्त की थी। अपने अधीन जिनके भी इनके जो राजा थे, जिनमें राय साहब, राय राय, अर्जुन, शंकर वगैरह ये जो थे ये सब इनके अधीन थे। जैसा कि हमने पहले बताया, महमूद गजनवी ने उसी समय भारत के ऊपर आक्रमण किया था। सुहेलदेव और इनके जो ये राजा साथी थे उन्होंने गजनवी को अच्छी टक्कर दी और उसको भागने को मजबूर कर दिया था। गजनवी की मृत्यु के बाद उनके जो पिता जो थे सैयद सालार, उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, उसका भी इन्होंने जमकर मुकाबला किया और सालार को भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन उसी समय सालार को पीछे से कुमक मिल गई और उसका परिणाम ये हुआ कि इनको कुछ भारी जनधन की हानि हुई। सुहेलदेव जी को, मुसलमानों को काफ़ी नुकसान हुआ और उसका परिणाम ये हुआ कि इनके जो दो बहुत बड़े योद्धा थे जिनके नाम थे, जिन्होंने गदा से प्रहार किया था इनके ऊपर, उनका नाम था महिपाल और हरगोपाल, ये दोनों के दोनों उस युद्ध में शहीद हो गए थे। उसके बाद महमूद गजनवी का जो भांजा जो था जिसका नाम था सालार मसूद, उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया लेकिन सुहेलदेव जी ने उसको मार गिराया और उसके बाद इनके राज्य में काफ़ी अमन शांति हो गई। सुहेलदेव जी, जैसा कि हमने बताया था, कि बहुत ही समाज कल्याण में रुचि लेते थे। इन्होंने बहुत अधिक तालाब, कुएँ, सराय, जिससे यात्री लोग आराम कर सकें, उन दिनों कोई वाहन वगैरह तो होते नहीं थे, बैलगाड़ी, रथ, घोड़े, ऊँट वगैरह से यात्रा किया करते थे और 10-5-20 कोस के ऊपर उनको आराम करना पड़ता था। तो इस कारण
सराय जो थी वो बड़े बड़े जो राजमार्ग थे उनके ऊपर सरायों और कुओं का इन्होंने बहुत अधिक निर्माण करवाया और उससे यात्रियों को बहुत अधिक सुविधाएं मिली। 25 वर्ष की आयु तक इनके गुरु ने ये कहा था कि 25 वर्ष की आयु तक कोई भी स्त्री इनके सामने ना आए इनकी माँ के अतिरिक्त। माँ तो जन्मदात्री है और पालन पोषण वही करती है, पहला गुरु जो है माँ होती है। इस वास्ते गुरु ने कहा था कि माँ के अतिरिक्त कोई भी स्त्री इनके सामने ना आए। तो इन्होंने महाराज के सुहेलदेव जी के जो पिताजी थे उन्होंने उसका सख्ती से पालन किया और सुहेलदेव जी ने गुरु की आज्ञा को माना और 25 वर्ष तक इन्होंने किसी भी स्त्री को के दर्शन नहीं किए थे। ये बड़े आश्चर्य की बात है। श्रावस्ती नगर जो था इसको इन्होंने सुंदर रूप दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि इनका राज्य जो था बड़ा खुशहाल हुआ। हमने एक पुस्तक लिखी है उत्सव धर्मी पाठ्यक्रम और हास्य, ये केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जी जो हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इनका विचार था, यानी उत्सव धर्मी शिक्षण पाठ्यक्रम। हमने उसी का विस्तार करते हुए इसमें हास्य को और जोड़ा है। ये पुस्तक भी बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी, जिनको इसमें रुचि है वो वे इसको भी लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ इसका संदर्भ मैंने इस वास्ते दिया कि अगर हमारे पाठ्यक्रमों में सुहेलदेव जी जैसे शासक जिन्होंने, जैसे कि हमने बताया इनका इतिहास कोई मामूली तो है नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे इतिहासकारों ने ऐसे राजाओं को कैसे छोड़ दिया जिन्होंने समाज के हित में देश हित में जिनका चरित्र भी इतना महान था कि 25 वर्ष तक अपने गुरु का पालन गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने किसी भी स्त्री के, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राजा कितने महान थे। जाति पाति से हमें क्या लेना देना, हमें तो ये देखना है कि राष्ट्र के प्रति कौन समर्पित था। और जो हमने आपको बताया उसके अनुसार सुहेलदेव जी जो हैं वो सम्राट अशोक चंद्रगुप्त आदि से किसी से कम नहीं थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे भी हम विनती करेंगे कि हमारे पहले श्रोता के मुताबिक जिनके अनुसार हमने सुहेलदेव का ये वीडियो बनाया अपने सुझाव दें, अपने क्षेत्र के राजाओं के या और जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे उनके वीडियो भी हम अवश्य बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।